जी हाँ, अभी इस वक्त हमारे घर में जो हालात हैं वो एक बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है और काफ़ी परेशान है सब लोग। तो वो मिष्टी हर जब भी कोई लड़ रहा है या जिस किसी की भी आवाज़ ऊंची है तो वो डर के सहमी हुई सी वो देख रही है कि हो क्या रहा है, समझने की कोशिश कर रही है और वो सब नोटिस करके और भाग रही है। सो हम इसलिए टेंशन में है कि वो छोटी सी बच्ची के दिमाग पर क्या असर होगा। नील बहुत गुस्सा है, हाथ तक उठाने की नौबत आ जाती है, तो क्या ऐसी क्या बात होती है? जी हाँ, नील गुस्सा है क्योंकि उनकी बात समझ नहीं पा रहे, जूही समझ नहीं पा रही है, तो इसलिए नील नाराज़ हो जाते हैं और एक टाइम पे वो अपना पेशेंस लूज़ करते हैं। पर तब तक सही वक्त पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं आ जाती हूँ। सोया, अच्छा हमने देखा यू नो जूही को ऐसा पट्टी वट्टी लगी है, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा सिचुएशन क्या हुआ था प्लीज़ बताइए दर्शकों को, क्या हुआ था पट्टी वट्टी बन गई? जी हाँ, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी मुश्किल थी हम सबके लिए और एक ऐसा कदम उठाया मिष्टी ने जिसकी वजह से जूही को अभी चोट लग गई है। तो वो आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे नामकरण ऑन स्टाफ प्लस 9 की। अच्छा, लास्ट में जाना चाहेंगे, बहरूप आ गया है कोई घुस के, क्या मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब मेरे होते हुए, चलो ठीक है नील और डीडी तो ठीक है वो तो है ही, बट मेरे होते हुए कोई बहरूपिया हमारे घर के अंदर घुस कैसे गया? मैं यही सोच के खुद भी परेशान हूँ। तो अब मैं नील को बोला है कि सिक्योरिटी बढ़ाए, बट मैं भी अब खुद सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़वाऊँगी और आने नहीं दूँगी अब किसी के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।